नमस्कार सभी साथियों को। तो दोस्तों जो है आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है मेल फीमेल कॉन्स्टेबल को लेकर। जैसा आप सभी को पता था एक बहुत बड़ा दिन था आज मेल फीमेल कॉन्स्टेबल के लिए, क्योंकि मेल फीमेल कॉन्स्टेबल 6600 जो है टोटल मेल फीमेल कॉन्स्टेबल ज्वाइनिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं। और जो दोस्तों आज की अपडेट आई है वो आ चुकी है, आज क्या क्या कोर्ट में हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरा एक घंटा मतलब एक आवर हम कह सकते हैं पूरा जो है बहस चली है प्राइवेट और सरकारी वकीलों के बीच। जी हाँ, पूरा एक घंटा बहस चली है। और जो है एक घंटा बहस चलने के बाद कुछ और जो है एचएसएससी से डाटा मांगा गया है कोर्ट के द्वारा। कौन एचएसएससी से बेस शिफ्ट कौन सी माननी है आपने, एक ही शिफ्ट में अलग अलग नंबर कैसे बढ़ रहे हैं, किसी के कम हो रहे हैं, किसी के दो बढ़ रहे हैं, तीन हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो है दोस्तों एचएसएससी से डाटा मांगा गया है। कोर्ट ने फिर से एचएसएससी से डाटा मांगा। और जो है यहाँ पर 30 अगस्त मान के चलो आप दो हफ्ते से भी कम का जो है टाइम दिया है, नेक्स्ट डेट जो है 30 अगस्त मिली है। और दोस्तों ये बात जो है अभी सामने निकल के आई है, तो कहीं ना कहीं अब हम कह सकते हैं कि भर्ती आपकी दोस्तों लटक गई है, भर्ती लटक गई क्योंकि कोर्ट में मामला चला गया और जो है सारे जो सिस्टम एचएसएससी के फैल नज़र आ रहे हैं। अब फिर से जो है एचएसएससी की अधूरी तैयारी बच्चों को भारी पड़ गई और पूरे डिटेल ना देने की वजह से फिर से जो है 30 अगस्त तक जो है डाटा सबमिट करना है। और अब दोस्तों फिर वही बात आ गई, एचएसएससी 30 अगस्त को फिर से टाइम मांगेगा, 30 अगस्त को फिर से जो है टाइम मांग लेगा कोर्ट से डाटा प्रोवाइड करने में, कोर्ट से टाइम मांगेगा एचएसएससी। तो इस तरह दोस्तों तारीख पे तारीख चलती रहेगी। अब आप जो है वो फैसला जो है दोस्तों कोर्ट का ही आएगा जो कुछ आएगा, लेकिन यहाँ हम कह सकते हैं कि एचएसएससी पूरा डाटा नहीं दे सकी अभी भी। पूरा डाटा दे देती तो आज कुछ ना कुछ फैसला आता या स्टे हट जाता, तो फिर से जो है कमी रह गई यहाँ पर। और जो मुझे लग रहा है अब दोस्तों ये भर्ती आपकी लटक चुकी है, भर्ती लटक चुकी है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको थोड़ी आपको लगेगा हाँ भाई आप क्या बोल रहे हो, लेकिन मेरी नज़रों में दोस्तों मैं कहता हूँ ये भर्ती लटक चुकी है, क्योंकि तारीख पे तारीख मिलना क्योंकि बच्चों ने एमएलए मिनिस्टर से भी मिले हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों फिर से जो है कमी रह गई एचएसएससी की। और अब 30 तक भी डाटा प्रोवाइड नहीं किया तो फिर से अगली डेट जो है आपको मिल जाएगी। तो ये आज की न्यूज आई है ऑफिशियल जो है 30 अगस्त नेक्स्ट डेट है। स्टे का हटा है क्या नहीं इसका तो दोस्तों जो है कल नोटिस जो ऑफिशियल नोटिस आएगा स्टे का उसमें पता चलेगा कि स्टे हटा है क्या नहीं। बाकी स्टे नहीं हटा होगा क्योंकि डाटा और मांग लिया तो स्टे तो कंटिन्यू रहेगा। जब तक पूरा डाटा अच्छे से क्लियर नहीं हो सकता तो कोर्ट जो है अपना फैसला बाद में ही देगी। आज उम्मीद थी एक घंटा लंबी बहस चलने के बाद कुछ ना कुछ तो डिसीजन आना था, आखिर इतना लंबा जो है बहस चली है कभी नहीं चलती, इतना एक घंटे लंबी बहस चलने के बाद भी जो है कोर्ट का डिसीजन नहीं आया, तो हम कह सकते हैं दोस्तों अब जो है मामला और लंबा खींचेगा, तारीख पे तारीख चलेंगी। कब तक तारीख चलेगी ये नहीं पता चला। और दूसरा एजी साहब आज भी कोर्ट में नहीं आए, एजी साहब आज भी कोर्ट में नहीं पहुँचे, तो कितना बड़ा जो है धोखा सरकार ने एचएसएससी जितने ये सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनको दिया कि एजी साहब आएंगे, एजी साहब आज भी कोर्ट में नहीं आए। तो इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ अब इस भर्ती का कुछ नहीं पता, किस ओर फैसला आ जाए हम नहीं कह सकते, क्योंकि सब डिपेंड करता है जज के ऊपर डिपेंड करता है। चाहे आप किसी से मिल लो, एजी साहब वहाँ जा नहीं रहे, एजी साहब आ जाते तो कुछ ना कुछ रिजल्ट होता, लेकिन जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसके हक में फैसला दे, सिलेक्टेड या अनसिलेक्टेड के। तो इसलिए दोस्तों मैं एक आपके लिए अपडेट लेके आया था कि अब हम नहीं कह सकते कि फैसला कब होगा, क्योंकि जिस तरह उम्मीद लगाई जा रही थी एक घंटे बहस चलने के बाद भी फैसला नहीं आया। 30 तारीख तक एचएसएससी डाटा देगा क्या नहीं, फिर से टाइम मांग लेगा 15 दिन का और, तो अब ये दोस्तों कुछ कह नहीं सकते अब क्या होगा। फिलहाल दोस्तों ये अपडेट थी, और भी जैसी अपडेट आएगी आपके लिए लेता रहूँगा। और कहीं बच्चे किसी से मिलने जाएंगे या सीएम साहब से या और कहीं प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे तो वो भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल ये अपडेट थी,
सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।